अवतार द वे ऑफ वाटर देख के आपको लगेगा ये VFX नहीं रियल हैं। 2009 के बाद फिर से जेम्स कैमरून अवतार द वे ऑफ वाटर में बम फोड़ दिए हैं। जी हाँ, अवतार 2 रिलीज हो चुका है और हमने इसका मॉर्निंग शो देख भी लिया है। और अगर सिंपल एक वर्ड में बोला जाए तो मूवी एक एक्सपीरियंस है जिसे हर किसी को लाइफ में एक बार तो देखना ही चाहिए। फिल्म के VFX इसकी जान है जो आपको हर एक छोटी से छोटी चीजों में दिख जाएगा। वहीं कैरेक्टर्स के इमोशन आपको इतने लंबे फिल्म से बांधे रखते हैं। तो आइए और शुरू करते हैं आज का रिव्यू। 3 घंटे 12 मिनट लंबे फिल्म में आखिर क्या है और आपको ये IMAX 3D में ही क्यों देखनी चाहिए। तो अवतार द वे ऑफ वाटर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां अवतार मूवी खत्म हुई थी। यानी जैक सुली जो कि आधा ह्यूमन और आधा नावी रहता है, वे पेंडोरा नाम के ग्रह के एलियंस के साथ मिलकर ह्यूमन से लड़ता है और लास्ट में फिल्म के मेन विलन यानी कर्नल कॉरिज को डिफीट करके ह्यूमंस को पेंडोरा से भगा देता है। अवतार में लास्ट में कर्नल कॉरिज को मारते हुए दिखाया जाता है, पर अवतार द वे ऑफ वाटर में वो वापस आ चुका है जैक और उसकी फैमिली से बदला लेने। और इस सीक्वल की मेन कहानी यही है। मैंने ऑलरेडी काफी स्पॉइलर दे दिया है तो आप वीडियो को आगे अपने रिस्क पर ही देखना। तो अवतार द वे ऑफ वाटर की कहानी अवतार के आगे फ्यूचर की है। अब जैक और नेत्री के 4 बच्चे हैं जिसमें से एक एडॉप्टेड है और एक पूरा ह्यूमन है। इस बार कहानी पेंडोरा के ही अंडर वाटर वर्ल्ड की है और फिल्म के 40% से ज्यादा सीन अंडर वाटर ही है। लेकिन एक एक फ्रेम को देखकर लगेगा कि हाँ भाई 2000 करोड़ की फिल्म है। फिल्म में पैसा पानी की तरह ऐसे ही नहीं बहाया गया है। तो ह्यूमंस को पेंडोरा से भगाने के बाद जैक अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है। अब वो एक कंप्लीट अवतार है, उसके हंसते खेलते बच्चे भी हैं। लेकिन कर्नल वापस आ चुका है अपनी ही मौत का बदला लेने के लिए। तो कर्नल को हराने के लिए जैक पेंडोरा की ही अंडर वाटर एलियन से मदद मांगने जाता है। फिर कहानी में काफी ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको 3 घंटे तक बांधे रखते हैं। यहाँ तक इंटरवल में भी आप अपनी कुर्सी से उठेंगे नहीं। अवतार द वे ऑफ वाटर का VFX कैसा है? अगर फिल्म के VFX की बात की जाए तो VFX जो है असली से ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। हर एक फ्रेम आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देंगे। छोटे बच्चों से लेकर जानवर और मेन कैरेक्टर सभी आपको लगेगा कि रियल हैं। फिल्मों में अंडर वाटर सीन्स फिल्माने में या बनाने में काफी दिक्कतें आती हैं। आपने देखा होगा कि आदि पुरुष के अंडर वाटर सीन में कैसा कचरा VFX क्रिएट किया गया था, पर अवतार द वे ऑफ वाटर में अंडर वाटर सीन्स आपको एक अलग ही अनुभव देते हैं। ये इतने रियल फील होते हैं कि IMAX 3D में आपको कभी कभी पानी के अंदर सफोकेशन भी फील हो सकता है। कास्ट ने एक्टिंग कैसी की है? अगर कैरेक्टर की बात करें तो इसमें एक प्लस और माइनस पॉइंट दोनों हैं। सभी कास्ट का मोशन कैप्चर और परफॉर्मेंस दोनों ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है, पर यही इस फिल्म का माइनस पॉइंट भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक टाइम पर आके इतने ज्यादा कैरेक्टर हो जाते हैं कि सबको याद रखने के चक्कर में आप कंफ्यूज होने लगते हो। इस फिल्म में दूसरा माइनस पॉइंट जो मुझे लगा वो है क्लाइमेक्स में विलन का कमी। वैसे फाइट सीक्वेंस और VFX बहुत बेहतरीन है, पर जैसे अवतार में जब ह्यूमंस को नावी हरा देते हैं तो दिल को एक सुकून मिलता है और फिल्म को एक परफेक्ट एंडिंग भी। पर अवतार द वे ऑफ वाटर का क्लाइमेक्स उस लेवल का नहीं है जिससे थोड़ी निराशा हो सकती है। 3 घंटे बैठने के बाद आप एक अच्छे क्लोजर की उम्मीद करते हो, पर ये फिल्म आपको यहाँ पर निराश कर देती है। पर हो सकता है ये स्ट्रेटजी हो, जेम्स कैमरून अवतार 3, 4 और 5 के रूप में कहानी को और एक्सपेंड करने चाह रहे हो, इसलिए आपको एक सवाल के साथ ये फिल्म लास्ट में छोड़ देती है। खैर, मुझे तो फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और ऐसा फिल्म मुझे लास्ट बार एवेंजर एंड गेम देख के मिला था, क्योंकि मैंने अवतार कभी 3D में नहीं देखी थी। अवतार द वे ऑफ वाटर कई मामलों में एवेंजर एंड गेम से भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देती है और आपको ये फिल्म पूरे फैमिली के साथ देखनी चाहिए। ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और रिव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।